गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी। आज अपने करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। नोमेनक्लेचर कर चुके हैं अपने, आइसोमेरिज्म कर चुके हैं, जीओसी, और ये अगला टॉपिक है। इसमें भी ये 2019-20 के जेई मेन के क्वेश्चन हैं। जेई मेन के बच्चों के लिए तो अच्छा है ही, ये नीट के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए क्योंकि एनटीए के द्वारा बनाया गया है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो अपनी संभावना है, हर एक एक नंबर के लिए अपने प्रयासरत रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूमीन की O2 के साथ रिएक्शन, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन विथ O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ डायलूट HCl। ठीक है, तो क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन, यही क्या है? क्यूमीन, CH3। ठीक है बेटा, इसकी O2 के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो ये होगा CH3, इंसर्ट हुआ OOH और यहां पे बेंजीन। ठीक है, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। एक एक चीज को ध्यान रखना, इसका नाम है क्यूमीन, O2 के साथ जब रिएक्शन हुई तो ये क्या हो गया? क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, ठीक है ना। अब कर रहे हैं इसकी डायलूट HCl के साथ रिएक्शन, डायलूट HCl, ठीक है, H प्लस ले जाओगे, CH3 बेंजीन OOH H+, ठीक है। यहां से क्या निकाल दिया? H2O, ये हो गया CH3 बेंजीन O+, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट कौन होगा? ये यहां हो गया CH3 CH3+, ठीक है, अब क्या हो जाएगा? OH-, तो CH3 CH3 OH, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एसीटोन, और ये क्या हो गया? फिनॉल। हमने इसकी मैकेनिज्म क्यों लिखी है, इसके बारे पीछे भी FMC में एक बार क्वेश्चन आया था ना, तो यहां पे यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करी थी, यहां से उसने इसके आगे लिख दिया था डायलूट HCl, और ये नहीं था यहां पे, तो माइग्रेट जो करेगा उसी के साथ क्या अटैच हो जाएगा? OH, और दूसरे का क्या बन जाएगा? कीटोन। ये बात समझना, यहां पे जो माइग्रेट कर रहा है उसी के साथ क्या हो रहा है? OH, और दूसरे का क्या बन रहा है? कीटोन, ठीक है बेटा। तो अब मेन मूल क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। तो क्यूमीन की O2 के साथ रिएक्शन होगा, तो क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, ठीक है, और डायलूट HCl तो क्या बना? फिनॉल और एसीटोन। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड, बोलो, ठीक है, बोलो बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शानदार क्वेश्चन ये भी है। NaBH4 दे रखा है, NCERT का क्वेश्चन है ये। NCERT में क्या है हम बता रहे हैं, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं था, उस पर जो NCERT में ये क्वेश्चन है, इंटेक्स का क्वेश्चन है, वहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पे डबल बॉन्ड दे रखा है। तो NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, और जनरली LiLH4 हो या NaBH4 हो, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। LiLH4 एक केस में करता है, जब बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH CHO था, ध्यान आ रही, तो वही बात कर रहे हैं। तो NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? डबल बॉन्ड को किसमें चेंज कर दोगे? OH में। सी डबल बॉन्ड को किसमें चेंज कर दोगे? HH, रिड्यूस हो गया CH2 CO CH3,
डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करेगा, सही है। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें देख लो, आंसर आ जाएगा आपका 4। NaBH4, ध्यान सुनो, NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, और NaBH4 जनरली NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, केवल किसको करता है, सी डबल बॉन्डों को। इसमें सी डबल बॉन्डों को किसमें चेंज कर दिया, OH में, ठीक है ना, H माइनस दिया, तो आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, KOH एल्कोहलिक KOH है एक्सिस में, तो यहां से आप एसिडिक हाइड्रोजन आपको निकालना है। तो देखो इधर ये BR, यहां से H, तो यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और HBR यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। जो कुछ एग्जांपल बनेगा ये देखो, PH डबल बॉन्ड देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और HBR यहां से, तो यहां से निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड, और जो प्रोडक्ट बना हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजर, देख रहे हो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो यहां एक बात, एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, HBR निकालना, ठीक है, और जो प्रोडक्ट कोशिश करो कि क्या हो जाए, स्टेबल बने। तो स्टेबल प्रोडक्ट के लिए ये तो है, लेकिन यहां से यहां इसके साथ रेजोनेंस नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड, बोलो, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है आपका, सेकेंड। कोई दिक्कत, कार्बन गिन लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है, एक्वस NaOH और फिनॉल एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस क्या बन जाएगा, सॉल्ट, तो CH3 जब सिंपल इसकी किसके साथ, NaOH के साथ, यहां क्या हो गया, ONA CH3 I, क्या बन गया CH3, और यहां क्या हो गया OCH3, सिंपल सी बात है ये, NaOH के साथ फिनॉल रिएक्शन करता है तो वही सॉल्ट बना लिया, NaI निकाल दिया, क्या हो गया CH3 OCH3, आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, NaBH4, फिर शानदार चीज, अब यहां एक क्रांतिकारी मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O को किस में चेंज करता है, OH में, ये NaBH4 करता है। NaBH4 C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन नहीं करता, लेकिन C डबल बॉन्ड NCH3 इसका रिडक्शन करेगा, ठीक है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, और ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कौन सा आंसर है, देखो CH3 NH, 1 2 3 1 2 3, और डबल बॉन्ड किस में जाएगा, OH में, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड, बोलो, सही है, बोलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, सी डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, और सी डबल बॉन्ड N को करेगा, ट्रिपल बॉन्ड होता तो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, Br2 excess phenol, ipso substitution, यहां एक एग्जाम्पल और बताए, मान लो यहां पे क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है, यहां पे OH होता, COH होता, ये भी होता ना, तो Br2 water phenol, Br2 water के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, अगर ये भी है COH भी होता तो COH, ये सब रिप्लेस हो जाते, और आंसर ये क्या होता है, ipso substitution, यहां पे क्या होता, OH Br Br बिया, ठीक है ना, यहां पे SO3H ऑर्थो पैरा कहीं भी होगा रिप्लेस हो जाएगा, COH भी होगा तो भी रिप्लेस होता, और ये भी होता तो भी यही बनता 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ठीक है, कोई दिक्कत,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट विथ AgNO3? AgNO3 के साथ प्रिसिपिटेट देना है। देखो यहां से तो निकाल ही नहीं सकते, ये तो खत्म कहानी। बेंजीन से अगर Br अटैच है तो वो नहीं निकाल सकते। यहां निकालोगे और बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन, इसका नाम क्या है, ट्रोपोलियम कार्बो कैटायन। क्या है? ट्रोपोलियम कार्बो कैटायन। तो यही आपका मेन आंसर। यहां से भी नहीं निकाल सकते और यहां निकालोगे तो इतना अच्छा स्टेबल नहीं बनेगा। तो AgNO3 के साथ कौन सा प्रिसिपिटेट देगा, तो आप देखना कौन अधिक स्टेबल है। ठीक है, बोलो सही है, कर लोगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, LiLH4 CH को रिड्यूस करता है। अभी एक चार्ट बनाई देंगे तुम लोग, C डबल बॉन्ड कहीं करेगा इसको OH में, तो ये हो जाएगा आपका CH2OH और ये एज इट इज रहेगा। यहाँ NO2 किस में जाएगा? NH2 में, और ये OH और यहाँ CH3। कौन सा आंसर है? देखो OH, ये आंसर 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है बेटा, सही है, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, तब तक एक चार्ट बना देते हैं आपको। देखो इधर, ये है, इसको गौर करो, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ एच, ठीक है ना, कंपाउंड है ये। ये अभी तक हमने क्वेश्चन किया तो हमें लगा कि ये बच्चों को बताना जरूरी है। तो सी एच ओ, यहां क्या होगा, सी एच टू ओ एच, सी ओ ओ एच क्या हो गया, सी एच टू ओ एच, सी ओ ओ सी ओ सी एच टू ओ एच, ठीक है ना, सी एच टू ओ एच, एसिड एनहाइड्राइड एस्टर सी ओ ओ आर सी एच टू ओ एच, सी ओ सी एल सी एच टू ओ एच, इतने तो हमने लिख दिए। ठीक है, अब यहां लिख दिया एल आई एल एच फोर, यहां लिख दिया एन ए बी एच फोर, यहां लिख दिया सी टू एच फाइव ओ एच प्लस एन ए, यहां लिख दिया एन ए बी एच फोर। ठीक है, ये होगी बात, ये हो गई बात, ये हो गई बात, ये हो गई बात, और ये हो गई बात। ठीक है, बोलो। तो इसी की बात कहानी हम करने जा रहे हैं। तो देखो इधर, सी डबल बॉन्ड ओ किस में गया, सी एच ओ एच में, ये कर लेता है रिएक्शन, ये कर लेता है, ये कर लेता है, ये कर लेता है, ये कर लेता है, ये कर लेता है। ठीक है, सी टू एच फाइव ये भी कर लेता है, ये 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 ये, एन ए बी एच फोर के हैं, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, और ये कर लेगा। बोलो, ठीक है, तो ये अपने चार्ट बनाए जिससे सी डबल बॉन्ड ओ को एल एल एच फोर कर लेगा, एन ए बी एच फोर भी कर लेगा, सी एच ओ सी ओ सी एल एन ए बी एच फोर कर लेता है रिड्यूस। ठीक है ना, तो ये चार्ट ध्यान रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए बताया था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखना बेटा, क्वेश्चन शानदार है ये भी। ये है बेंजीन, पहले क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बताने इसमें। तो यहां पे ये बेंजीन तो ऐसे ही है,
ठीक है ना, ओ सी ओ सी एस थ्री डबल बॉन्ड, यहां क्या हो गया बी आर प्लस, क्या बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब आगे क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है एम ई ओ एच, क्या दे रखा है एम ई ओ एच, यहां सीओ का माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो इधर नहीं आके अटैच किस पर करेगा इस साइड, तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा बेंजीन ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, गौर करना सी डबल बॉन्ड ओ और यहां बी आर और यहां क्या लग गया ओ एम ई, ठीक है ना, देख लो सही है। मूल क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा कहां पे हो रहा है देखो फोर्थ नंबर, ठीक है फोर्थ नंबर पे ऐसी बातें हो रही, सही है कर लोगे ना, डबल बॉन्ड पे बी आर टू वन इक्विवेलेंट नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, यहां सीयू के माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहां प्लस चार्ज नहीं अच्छा बनेगा इधर बनेगा, तो ओ एम ई उस साइड अटैच हो गया, आंसर आपका क्या हो गया फोर। नेक्स्ट ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड ऑल्सो डी कलराइज ब्रोमीन वाटर इन सोल्यूशन। ये ऐसा धारा चला आ रहा है ना कि जो एक एग्जाम में एक सेट में पूछा तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के क्योंकि स्केलिंग होती है उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बी आर टू वाटर डी कलराइज वाली बात कौन करता है, फिनॉल बी आर टू वाटर के साथ ये वाली बात याद आ गई 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है ना, नहीं इसमें कह रहा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो रुक जाओ ये वाली बात नहीं, मेथिल मैग्नीशियम मतलब फिनॉल है और एथिल C2H5MgBr, तो प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया C2H6, तो ये तो कह रहा है रिएक्ट विथ एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो रिएक्ट कर गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। दूसरी बात कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर दे, तो एल्कीन एल्काइन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, बेंजीन ये रिएक्शन ये अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देता है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के बाद दोनों समझ के बाद एल्कीन एल्काइन Br2CCl4 है, यहां पर Br2 वाटर दे रखा है, ब्रोमीन कलर को क्या करेगा डीकलराइज, ठीक है, तो वहां पे कंपाउंड हमें क्या होना चाहिए फिनॉल हो, एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हो और दूसरा डबल बॉन्ड हो, तो इसको हटाते हैं, ऐसा कहां पे है ये देखो फर्स्ट नंबर, ठीक है बेटा कोई लफड़ा, एथिल एसिडिक हाइड्रोजन, क्वेश्चन तो ऐसे दे देगा फिनॉल एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाँ फिनॉल को और क्या कहते हैं कार्बोलिक एसिड, ठीक है नेक्स्ट बात चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सी कर रहे हैं अपने 11, ठीक है फिनॉल है HCl के साथ रिएक्शन करें, तो फिनॉल और HCl प्लस और ये माइनस, ठीक है अब ये यूं ऑर्थो मेटा पैरा, तो कितने रिंग बन रही है 1, 2, 3, 4 और 1, 5, तो यहां OH हो, क्या हो OH हो, ठीक है और क्या हो ये वाली बात तीसरे कितने रिंग बन रही है 5 की, ये तो बना ऐसा कहां पे है देखो थर्ड पे, देख रहे हो ना HCl, दोबारा सुन लो HCl मार्कोनी का ऑफ लगा दिया प्लस माइनस Cl वहां पे अटैच हो गया, अब AlCl3 यहां से निकालेगा, यहां क्या बनेगा प्लस चार्ज, अब ये प्लस चार्ज अटैक कर,
ठीक है, कोई दिक्कत कर लोगे ना कि दोबारा बताएं? देखो HCl यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, OH है और ये Cl है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। AlCl3 पूरा लिख दे रहे हैं, हाँ AlCl3 यहां क्या हो गया, फिनॉल प्लस चार्ज, अब ये इस पर अटैच, तो फिनॉल बना और यहां पे कितने रिंग बन जाएगी, देखो 1, 2, 3, 4 और एक प्लस माइनस 5 की रिंग, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, कर लोगे ना? नेक्स्ट पे आते हैं, ये सिंपल सी रिएक्शन है, निम्न यौगिक की एल्किलाइड के साथ सीधी अभिक्रिया की क्रियाशीलता, मतलब द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, देन रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टूवर्ड, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, RX एल्किलाइड है और इसके साथ रिएक्शन, तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, अब देखो यहां तो दोनों तरफ से रेजोनेंस है, तो ये हो गया पुअर, ठीक है ना, यहां रेजोनेंस है, ये यहां रेजोनेंस है और CN इसका, CN का माइनस M इफेक्ट, यहां रेजोनेंस है लेकिन लेस रेजोनेंस है, मतलब लेस रेजोनेंस है मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बढ़ जाएगी। सुन लो, जनरली रेजोनेंस डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी, और जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही, सबसे पुअर ये और सब, इसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, डी, इसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, डी, और डी तो आंसर कौन सा होगा, सेकेंड, तो डी फिर सी फिर ए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला रेजोनेंस है ना, एक तरफ इसमें दोनों तरफ, तो ये सबसे पुअर हो गया, इससे अधिक ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल एनिलीन। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा ध्यान सुनो, RX की एमीन के साथ रिएक्शन है, वही आपको कंसीडर करना है कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप आराम से देख लो सबसे रेजोनेंस सबसे कम किसमें है। ठीक है, ये केवल बेंजीन रिंग के साथ है और ये CO मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जब रेजोनेंस बनाएगा तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो ये इसमें रेजोनेंस अधिक है, समझ गए ना, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे अधिक, तो आंसर DCAB। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, ये कैन नॉट बी प्रिपेयर, अब नीचे ऑप्शन में जाना पड़ेगा आपको, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, अब देखो pH पहला ऑप्शन लिखा है CO CH2 CH3, हाइड्रोलिसिस आपको लेके चलना है भाई, CH3 MgX प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बना pH CO MgX, यहां CH3 यहां CH2 CH3, ठीक है, बन गया ये, क्या pH आ गया CH3, तो ये तो पहला तो बन गया। ठीक है, दूसरे में आते हैं, pH सेकेंड ऑप्शन pH CO CH3 CH3 CH2 MgX, ठीक है, pH CO MgX हाइड्रोलिसिस करोगे तो, और CH3 CH2 CH3 देख लो, pH CH3 CH2 CH3 दोनों में हो गया, पहला दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे हाइड्रोलिसिस, तीसरा CH3 CH2 CO CH3, यहां देखना, अब ये आपको जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है उसी पे बात करनी है, कई बच्चे कहेंगे कि इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं दे रखी है सर, तो हाइड्रोलिसिस किसी में नहीं दे रखी है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट हाइड्रोलिसिस लेके चलोगे आप, यहां पे pH MgX, बोलो बेटा
सही है, प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, सी एस थ्री सी एस टू सी ओ एन जी एक्स सी एस थ्री और यहाँ पी एच, बोलो ठीक है। आगे हाइड्रोलिसिस कर दोगे माइनस प्लस, यहाँ से क्या चला जाएगा एच, तो बन जाएगा तीनों बन रहे हैं। लास्ट देख लो, लास्ट वाला क्या है, एच सी ओ एच पी एच सी एच सी एस थ्री सी एस टू एम जी एक्स प्लस और ये माइनस, ये इस पर अटैक करेगा, देखो बन पा रहा है नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें कैन नॉट प्रिपेयर्ड, तो कैन नॉट प्रिपेयर्ड आंसर क्या हो गया, फोर। बोलो कोई दिक्कत, नेक्स्ट ठीक है, चलो आगे। फिर वही काम करना है, Cl2 है यहां पे, क्या है Cl2, डबल बॉन्ड से रिएक्शन कराओ, तो यहां हो गया OCS3, ठीक है Cl और Cl, देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब AlCl3 है बेटा, इधर देखो, अब यहां कॉन्सेप्ट फिर देखो, AlCl3 AlCl4 माइनस निकालना है और कार्बोकैटायन बनाना है, और वो कार्बोकैटायन कहाँ अच्छा बनेगा, 1 डिग्री पे कि 2 डिग्री पे, 2 डिग्री बनेगा, तो देखो यहाँ पे ओ सी एस थ्री क्या हो गया प्लस चार्ज, तो फिर ये अटैक किस पे होगा, यू 1 2 3 4 और 5 कितने मेंबर के रिंग, पैरा पे इसके ओ सी एस थ्री। एक बार और इसके पीछे क्वेश्चन, ये किसी दूसरे पेपर में हम लोग सब हैलोजन, ये हैलोजन डेरिवेटिव ग्रिग्नार रिएजेंट अल्कोहल फिनोल ईथर सबको एक साथ की, बच्चों को डाउट तो तुम्हें पता चलेगा, देखो कि वही कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट हो रहे हैं बार बार, अपना मूल मकसद देखो, क्वेश्चन ऑप्शन तो हर बच्चों को आता है, कोई ऐसा नहीं देख लेगा कहीं मार्केट में किताब, लेकिन बताने की कोशिश ये हो रही है कि वही चीज़। अब ये फिनॉल का टर्म में एक क्वेश्चन था और फिर ये क्या आ गया, ओ सी एस थ्री वाला, ठीक है। तो इसके पैरा पे ले जाओगे, ऐसा कॉन्सेप्ट पहले भी हुआ है, तो यहां क्या हो गया ओ सी एस थ्री कितने की रिंग बना दी, 5 की, और यहां क्या हो गया सी एल, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, कौन सा आंसर है, देखो आंसर हो गया आपका सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत, सोल्यूशन कर रखा है, एक बार ऐसे देख लो, पूरी बात करिए, ए एल सी एल थ्री Cl निकाला, प्लस चार्ज बनाया, इस पर अटैच हुआ, ये 5 मेंबर रिंग बन गई उसके पैरा पे, तो आंसर बता ही दिया, आंसर कौन सा हो गया सेकेंड। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, HBr एक्सिस में दे रखा है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड पे अटैच होगा और ईथर की HBr वाली रिएक्शन SN1 SN2, नॉर्मल अगर जो टर्सरी या बेंजाइल ग्रुप है तो कार्बोकैटायन से Br- अटैच होगा, नहीं तो बड़े वाले का अल्कोहल छोटे वाले का ब्रोमाइड, तो यहाँ HBr, तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या बनेगा माइनस, यही कार्बोकैटायन अच्छा स्टेबल है, तो पहला HBr, तो ये हो जाएगा CHBrCH2CH3। लेकिन यहाँ देखो, देख रहे हो ना, माइनस और ये प्लस, यहां पे SN2 रिएक्शन होगी OH, CH3Br बाहर, CH3Br का इसमें जिक्र नहीं किया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला नहीं होगा, दूसरा तीसरा नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा सेकंड। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख ली और सिंपल O, ऐसे याद है ना, ये है OCH3HBr, तो बाई SN2 मैकेनिज्म बड़े वाले का एल्कोहल छोटे वाले का ब्रोमाइड, लेकिन यही ऐसे होता CH2OCH3, तो बाई SN1 होता, क्योंकि यहां बेंजिल कार्बोकैटायन अधिक स्टेबल हो, ये बात तो आग बताया, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे प्लस माइनस और यहां पे माइनस प्लस,
और सीधे HBR आंसर सेकंड। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOT हीट है, हीट दे रखा है और बेस दे ही रखा है, आप समझ लेना कि कौन सा होगा, इलिमिनेशन होगा। ठीक है, इलिमिनेशन सी, HCl निकालना अपने को, HCl और यहां से क्या निकाल दोगे, H। तो पहले इसको आराम से ऐसे लिख लो, सी सी एच टू सी एच थ्री सी एल सी ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री और यहाँ सी एच थ्री। एच सी एल निकाल दो, उसी कारण पे है, तो यहाँ पे अल्फा एच अधिक हो जाएगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच थ्री। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा आपका, ये फोर्थ। सही बेटा, आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखो, NaBH4, फिर वही देखो NaBH4, फिर देख देगा फिर क्या दे रखा है, कीटोन। आराम से इसको लिखा OH और यहां BR। ठीक है, सही है, यहां पे क्या हो जाएगा, NaOH बेस है ना, बेस MeOH है ना, O माइनस और यहां क्या है, Br। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बोलो, सही है, सीधी सी बात है, NaBH4 इसको OH में बेस है तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, अटैक हुआ, Br क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, कर लोगे, चलें आगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड। नेक्स्ट, वाटर इनसॉल्युबल, HCl इनसॉल्युबल, NaOH सॉल्युबल, NaSCO3 सॉल्युबल। अब सुनो, इधर फिनॉल NaSCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, फिनॉल NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, वाटर के साथ तो वैसे भी नहीं होगा, HCl है नहीं होगा, NaOH के साथ फिनॉल रिएक्शन करता है, NaOH के साथ, अभी NaOH और यहां क्या हो गया, सॉल्ट। ठीक है, NaSCO3 के साथ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे यहां डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, NO2 लगा दें तीन, जैसे पिक्रिक एसिड हो गया, तो वो NaSCO3 के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन यहां पे NaSCO3 के साथ नहीं कराना है, मतलब क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल मतलब OHCH3 सीधे, और ये लाइन अब ऑर्थोटोलिडीन है, एलिनिन CH3 है, मेटाबेंजामाइड है, तो आंसर इसमें कौन सा होगा, मेटाक्रिसोल। ठीक है, इससे आपको देखना है, वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, NaOH के साथ सॉल्युबल है, NaOH के साथ कौन होता है, फिनॉल NaSCO3, इसमें एक ही टाइप मेटाक्रिसोल है। ठीक है, नेक्स्ट, OCH3 कंसंट्रेट HBr, फिर वही काम, देखो क्वेश्चन देखना कहां से ये कनेक्ट हो रहा है, अभी आपने क्वेश्चन किया बेटा, तो ये क्वेश्चन किया था, देख रहे हो कितना बैलेंस काम है, ये नहीं, आपको देखो ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन क्या है, तो आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन देखो अभी कुछ देर पहले आपने ये क्वेश्चन किया, अब क्वेश्चन आ गया, ये भाव समझ रहे हो क्या हम कहना चाह रहे हैं, तो इस टाइप बातें इसी कॉन्सेप्ट में आपको रहना है, तो HBr तो यहां सीधे OH CH3 Br और यहां कार्बोकेटायन स्टेबल
तो यहां बी आर और यहां सी एस थ्री। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 19 का थर्ड, देख लो बोलो सही है। नेक्स्ट चलें, देख लो इसी टाइप क्वेश्चन पहले भी आया, इसीलिए हम लोगों ने ये एक साथ पूरे टॉपिक को लिया है कि बच्चे समझ पाएंगे क्वेश्चन कहां से क्लिक हो रहा है और उसी कॉन्सेप्ट पे बार बार चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट, ये तो शानदार क्वेश्चन फिर आ गया, सी एस थ्री या सी एल। अब देखो इधर, अगर बात हम करें इसकी सी एस थ्री सी एल टू एच डी, ठीक है, तो कोई बच्चा ये लिख देगा सी एस टू सी एल और आगे एच टू ओ कर दें तो क्या हो जाएगा सी एस टू ओ एच। सोचेगा एक मोल है, एच हटा के सी एल लगा दिया और वहीं पे क्या लगा दिया ओ एच। यही दिया हो दो मोल तो ये कर देगा सी एच सी एल सी एल, ठीक है, और आगे रिएक्शन किसके साथ एच टू ओ के साथ तो सी एच ओ एच ओ एच, यहां से एच टू ओ क्या हो गया सी एच ओ। अगर इसी के आगे रिएक्शन कर दे थ्री सी एल टू एक्सेस में है तो यहां बेंजीन सी सी एल सी एल सी एल, एच टू ओ किया तो यहां हो गया सी ओ एच ओ एच ओ एच एच टू ओ, क्या बन गया सी ओ ओ एच। ये तो है, अगर अपने फिक्स कर दिया कि एक सी एल टू तो एल्कोहल, दो सी एल टू एल्डिहाइड, तीन सी एल टू एसिड, यही बात तो है। लेकिन क्वेश्चन में आओ, देखो कितने मजेदार क्वेश्चन है, इसने कुछ नहीं दिया और ऑप्शन में देखो सी एच ओ भी डाल दिया, सी एच टू ओ एच भी डाल दिया, सी ओ एच डाल दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान सुनो, अब वही बच्चा इसको कर सकता है जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही ये बात लिखी है कि ये बेंजल्डिहाइड बनाने का कमर्शियल मेथड है, ठीक है ना, तो इससे बेंजल्डिहाइड बनेगा और वो कौन सा मेथड है, कमर्शियल मेथड है। तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट, मतलब टोलवीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए क्लोरिनेशन यूज करते हैं, दो बार क्लोरिनेशन करते हैं फिर एच टू ओ डालोगे क्या बन जाएगा सी एच ओ। बात समझ गए, ये तीनों ऑप्शन में कंफ्यूज है भाई, कोई एक लेगा तो ये आंसर कर देगा, एक्सिस मिलेगा ये, दो तो वही लेगा जो बेटा एनसीईआरटी पढ़ा होगा कि ये कमर्शियल मेथड होता है और उसी के आगे बात करेगा वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट 21। देखो फिर अभी बात करें, फिर वही क्वेश्चन फिर आ गया। अब यहां देखो, और वो प्रॉपर्टी आपको बता रहा है उसी की, डायलूट HCl के साथ फिनॉल रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है, Br2 वाटर के साथ वही रंग लुप्त होना, तो फिनॉल Br2 वाटर के साथ व्हाइट PPT, ठीक है, Br2 वाटर के साथ ये है, ठीक है ना, Br2 वाटर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ठीक है, फिनॉल NaOH के साथ सॉल्ट सॉल्वल हो गया, डायलूट HCl, ठीक है, एल्कोहल वगैरह होता तो HCl अपना बना लेता रिएक्शन, ठीक है, तो ये Br2 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये Br2 वाटर ये भले कर लेता है, हाँ तो चले आगे, लेकिन ये HCl के साथ NH3 plus Cl- salt बना लेगा तो कैंसिल, तो आंसर कौन सा होगा फोर्थ, बोलो। नेक्स्ट चलें, फिर शानदार क्वेश्चन PBr3, सिंपल सी बात है, OHCl पे क्या आ गया Br, ठीक है, आगे क्या दे रखा है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, इसका काम क्या होता है HBr को निकालना, HBr को निकालना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा
ये पी बी आर थ्री ओ एच की जगह पे क्या आएगा, बी आर एल्कोहलिक एच बी आर निकालेगा, यहां से एच क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक डायग्राम का क्वेश्चन भी दे, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, देखो ग्राफ का मैटर कोई भी हो नॉर्मली SN1 अगर इंटरमीडिएट एक बन रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट कितने बनेंगे, दो। पहला जो बना स्टेप उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई, और दूसरा जो बना दूसरा ट्रांजिशन उसकी एनर्जी लो, तीसरा बनेगा और लो, चौथा और लो। तो देख लो ये तो बराबर दे रखा है, ये नहीं होगा, ये देखो ऊपर यहां नीचे, यहां पहले नीचे ऊपर नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड, ठीक है। बोलो ट्वेंटी फोर नंबर, ठीक है। एस टू एस ओ फोर दे रखा है, क्या करोगे, OH लिख दिया, OH लिख दिया, CH2OH लिख दिया। अब ये COET, देखो इधर CO RCOET है, OET हाइड्रोलिसिस करोगे, यहां क्या हो गया OH, यहां H, तो यहां क्या बना COOH। अब आगे दे रखा है, आगे फिर H प्लस ही है, तो क्या हो जाएगा एस्टरीफिकेशन, यहां से OH और यहां से H, यहां से OH, यहां से H, कितने रिंग बनेगी, देखो 1 2 3 4, 1 2 इधर O, फिर ये CO, कौन सा आंसर हो जाएगा, 4, समझ गए, यहां से OH और यहां से H, H2O बाहर हुआ, इसी को ऐड कर दो, एक कार्बन CH2, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, ये तो आंसर क्या हो गया 24 का 4। बोलो बेटा ठीक है, कर लोगे, नेक्स्ट समझ गए ना भाई, ये तो एल्कोहल है, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो किसमें चला गया, एसिड, एस्टरीफिकेशन। करा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी, पहले बेंजोफिनोन लिख लो, बेंजोफिनोन ये हो गया आपका बेंजोफिनोन। अब क्या कह रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी, यहां क्या हो गया OH। अब इसकी अभिक्रिया Br2CCl4, ठीक है, इसी के साथ कराना है, तो ठीक है। अब पैरा बेंजोक्विनोन लिख लिया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोक्विनोन लिख दिया, अब OH पैरा क्या हो गया, इसका ब्लॉक, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, पैरा क्या हो गया ब्लॉक, तो अटैक कहां करेगा, ऑर्थो पे, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन CO, बेंजीन OH, ठीक है, यहां Br, तो आंसर क्या हो गया 4, ठीक है। बोलो सही ना, कंपाउंड है, ए और बी बताना है, इसमें एक रिएक्शन दे रखी है, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो ए आई निकला, यहां पे क्या आ गया CN, यहां पे क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, यू यू C ट्रिपल बॉन्ड N, देख लो आई निकला और क्या हो गया CN, ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब आगे क्या कर रहा है, CH2 H2PD, तो H2PD CN का भी रिडक्शन करता है और C डबल बॉन्ड O का भी करता है, तो यहां आंसर हो जाएगा OH CH2 NH2, 1 2 3, मतलब एक तो हो गया 1 2 3, ये CN, ये नहीं OH, 1 1 2 3, 1 1 2 3, आंसर क्या हो गया थर्ड,
बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 26 हो गया। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो Cl निकालो प्लस चार्ज बनाओ, बना दिया यहां प्लस चार्ज। अब देखो कहां रेजोनेंस, कहां कार्बोकैटायन अधिक स्टेबल है, रेजोनेंस है यहां पे सिंपल, और यहां रेजोनेंस भी है और साथ में क्या है O का प्लस N, और ये तो सिंपल एल्किल कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा C, फिर D, C के बाद D, फिर क्या आएगा A, फिर B, तो कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सिंपल आपका काम ये करना है कि कार्बोकैटायन की क्या देखनी है स्टेबिलिटी, ठीक है, कार्बोकैटायन की क्या देखनी है स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर HI एक्सिस यहां देखो, यहां OH बड़े बाई SN2 रिएक्शन, बड़े वाले का क्या बना दो एल्कोहल OH, बड़े वाले के साथ क्या कर दो OH और छोटे वाले के साथ आयोडाइड प्लस CH3I प्लस, यहां पे CN है तो SN2 को फेवर करेगा OH और यहां आई। देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि कई लोगों ने कार्बोकैटायन यहां बना के और यहां पे क्या अटैच कराया है आई, लेकिन अकॉर्डिंग टू NTA आंसर उसने क्या दिया है ये वाला, ठीक है, उसने CN विड्राइंग ग्रुप है ये फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को और यहीं पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा गौर करना क्योंकि कई जगह देखोगे तो आंसर, कई लोगों ने आंसर इसको 4 दे रखा है लेकिन सही आंसर कौन सा होगा थर्ड अकॉर्डिंग टू NTA, ठीक है ना। नेक्स्ट सिंपल देखो, कंपाउंड है और यहां दे रखा है CH3OH, ठीक है, अगर यही हीट देता तो हम एलिमिनेशन की सोचते, यहां सिंपल क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन, कैसे CH3CCH3HCH+CH3, कैसा कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, किसमें जाएगा ये 3 डिग्री में CCH3+CH2CH3, अब क्या अटैक हो जाएगा CH3O-, तो यहां बना CH3 CCH3 OCH3 CH2 CH3, बोलो तो सब्स्टिट्यूशन कौन सा आंसर होगा फर्स्ट, 29 का क्या आएगा फर्स्ट, ठीक है। चले नेक्स्ट, फिर वही काम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, SN1 रिएक्शन पूछ रहा है क्या आप करोगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां हटाया प्लस चार्ज, ये क्या है प्लस एम, यहां क्या है प्लस एच, इसमें क्या है माइनस आई, तो सबसे अच्छा स्टेबल कौन हुआ डी, डी के बाद सी, फिर ए और ये क्या हो गया बी, ओ सी एस थ्री। मेटा पोजिशन पर ना तो प्लस एम लगता है ना माइनस एम, ना प्लस एच ना माइनस एच, ओनली ओनली बेटा माइनस आई, तो डी सी ए बी कहां पे आंसर डी सी ए बी कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट, बोलो ठीक है। 30 का क्या आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ETONA बेस है और देखो हीट दे रखा है, बेस है हीट दे रखा है, क्या होगा एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन हुआ तो ETONA एलिमिनेशन हुआ तो ये यहां से H और यहां से Cl यही बना, देख लो यही बना। अब आगे क्या करना है HBr कौन सा मार्कोनी का, यहां क्या हो गया Br,
सीधे क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ, ठीक है। 31 का कौन सा होगा देख लो, 31 कौन सा होगा, सेकंड, ठीक है बेटा। ईटीओ ने हीट किया, HCl निकाल दिया, डबल बॉन्ड आया, HBr के साथ रिएक्शन हो गई, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। नेक्स्ट AlCl3, सिंपल सी बात है, यहां क्या हो गया CH3, ये O, CH2, यहीं से क्या हो गया प्लस चार्ज CH प्लस, और यहां क्या हो गया CH3। पैरापोजिशन वही कॉन्सेप्ट, OH वाला एक बार आया था, एक बार OCH3 आया था, इस बार CH3। तो कितने रिंग बनेंगे देखो, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस माइनस 6, तो यहां जो रिंग बनेगी यहां हो जाएगा CH3, ये O, 1, 2, 3 CH3, और ये ऐसा कहां पे है, थर्ड आंसर। 32 का आंसर क्या होगा, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया बेंजीन, CrO3 का काम क्या है, एल्कोहल को एसिड में चेंज करना, तो ये हो गया OH, यहां देखो CH2 और ये COOH, दो कार्बन है, हो गया। अगला क्या रखा है, SOCl2, तो यहां पे SOCl2, तो ये हो गया OH, ठीक है, और यहां COCl। अब वही फिर कॉन्सेप्ट, ऑर्थो फिनॉल के कहां ले जाओगे, अटैक करोगे पैरा पे, इधर क्या है ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये हो गया यूं ऑर्थो मेटा पैरा, तो क्या बन गया फिनॉल, ठीक है। कितने कार्बन है, 1, 2, 3, तो ये कितने रिंग बनेंगी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1 प्लस माइनस 5, कितने रिंग बनेगी, 5 की बेटा, तो यहां 5 की रिंग बनाते हैं अपने, 1 इधर बनाते हैं काम OH, इसको OH, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है ना। ऐसा आंसर कहाँ पे देखो, ये नहीं है, ये नहीं है OH, ये नहीं है, ठीक है ना। ये आंसर कौन सा हो गया, 4। पहले इसको देख लो, पहले ध्यान से इसको देख लो, क्या किया हमने, COH, SOCl2, COCl, फिर अटैच कराया उसी किस पे, OH के पैरापोजिशन पे, पैरापोजिशन पे आ गया, रिंग बन गई 5 की। मूल क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाइल क्लोराइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक, हाँ AR का क्वेश्चन है ये, 35 देखो, AR का क्वेश्चन है, सिंपल सा, विनाइल हैलाइड का इवेंट थ्रू, ठीक है। देखो कह रहा है विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी राइट। देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहां से Cl निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, तो ये बात तो सही है। फिर क्वेश्चन पे आओ अगला, इवन थ्रू द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन द क्लीवेज डिफिकल्ट बिकॉज, आ जाओ क्या कह रहा है ये कह रहा है जब यहां से Cl निकालोगे तो CH प्लस, ये कार्बोकैटायन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज होगा, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये बात तो हो गई सही और ये बात हो गई गलत, ठीक है। क्वेश्चन मतलब विनाइल क्लोराइड डू नॉट, ये बात सही है और ये कार्बो, मतलब आंसर कौन सा, ए आंसर कौन सा होगा, सेकेंड, ए इज करेक्ट स्टेटमेंट बट आर इज रॉन्ग। बोलो बेटा,
नेक्स्ट एक कंपाउंड है एम क्रिसोल, ठीक है एम क्रिसोल लेते हैं, मेटा क्रिसोल हो गया, ठीक है। इसकी क्रिसोल को एसीटोन K2CO3 की उपस्थिति में प्रोपार्जिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन, K2CO3 एसीटोन है और इसके साथ रिएक्शन HC CCH2Br, यही प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ क्या हो गया OK और यहाँ CH3, K2CO3 के साथ रिएक्शन हुई OK हो गया। अब HC CCH2Br कौन से रिएक्शन के द्वारा, SN2 रिएक्शन के द्वारा ये निकल गया, क्या बन गया CH3O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आंसर हो गया। सिंपल सी क्वेश्चन है, बेटा क्रिसोल दिया, K2CO3 एसीटोन दिया, OK बना दिया, फिर यहाँ पे क्या निकाल दिया KBr, सिंपल सा बन गया आंसर, क्या हो गया 4, ठीक है 36 का 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2-chloro-1-phenyl-butane ETOH के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है ना, और फिर इसकी रिएक्शन करनी है HGOAC NaBH, मतलब ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो 2-chloro-1-phenyl-butane, 2-chloro, ठीक है ना, 1-phenyl, 2-chloro-1-phenyl-butane, CH2CH CH2CH3, इसी की रिएक्शन करनी है ETOK ETOH, ठीक है, क्या बन जाएगा एल्कीन, CH2, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन बेंजीन के बगल से H, तो ये हो गया बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, HGOAC का होल ट्वाइस, H2O NaBH4, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कैसा होता है, मार्कोनी कॉफ एडिशन, डबल बॉन्ड के क्रॉस OH लगाओगे, उधर मार्कोनी कॉफ का जो एडिशन होता है वो किधर होगा, स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करेगा, तो क्या हो गया CHOH CH2 CH2 CH3, ठीक है। देख लो कौन सा आंसर होगा, सेकंड, ये देख लो पूरी बात, सीधे बेंजीन दिया, ठीक है ना, बेंजीन कौन सा क्वेश्चन था ये 37 देख लो, ठीक है ना, ETOK एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, HCl डबल बॉन्ड आया, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन सीधे क्या लगाया मार्कोनी कॉफ रूल से आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कौन सा आया, सेकंड या ना, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। निम्न में किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, ठीक है AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ देखो जिसमें कार्बोकैटायन बहुत अच्छा स्टेबल बन रहा है उसको देखो, यहां से तो निकाल ही नहीं सकते, और ये देखो सेकंड ऑप्शन देखो CH3 CH3 Cl, AgNO3 क्या बनेगा CH3 CCH3 CH3 प्लस स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, तो कार्बोकैटायन स्टेबल बन गया तो आंसर क्या हो गया सेकंड, ठीक है। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 39 कह रहा है 1-methyl ethylene oxide, तो 1-methyl ethylene ये है आपका 1-methyl ethylene oxide, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम HBr से, क्या कर रहे हैं
एच बी आर के साथ, तो ओ एच और यहां क्या हो गया प्लस, एच प्लस अटैक कर गया, बोलो सही है। अब ये हुआ ओ एच प्लस, अब ये इधर तो प्लस और ये माइनस, तो यहां हो गया ओ एच और यहां क्या हो गया बी आर, देख लो इसमें कोई लफड़ा नहीं। अब इसके साथ क्या कर दोगे, फिर एच बी आर आधिक में दे रखा है, कोई लफड़ा है नहीं, एच बी आर यहां से क्या निकाल दोगे एच टू ओ और यहां क्या हो गया बी आर, ठीक है देखो सही है, मतलब कौन सा आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, इथिलीन ऑक्साइड वन मेथिल इथिलीन ऑक्साइड, ये बात है पहली बार, वन मेथिल इथिलीन ऑक्साइड एच बी आर ओ एच प्लस, फिर ये दिया बी आर आ गया एच टू ओ, फिर निकाला बी आर। चले नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको पहले लिख लेते हैं अपने, ये है बेंजीन और यहां है ओ, ठीक है ना, ये एक दो तीन यहां है, यहां क्या है सी एस टू बी आर, यही तो है, वन टू थ्री कार्बन एच बी आर के साथ रिएक्शन, देखो बेटा, और फिर एनेड्राइथर है, पहले मूल पेज पे आ जाते हैं, ये है वही जो क्वेश्चन किया, देखो फिर वही कॉन्सेप्ट है, तो यहां हो गया बेंजीन ओ एच प्लस और यहां क्या हो गया सी एस टू बी आर, यही तो हुआ, हो गया। अब क्या अटैक कराओगे, बी आर माइनस, बी आर माइनस अटैक कराओगे तो यहां क्या हो जाएगा ओ एच, और देखो वन टू थ्री कितने कार्बन है थ्री, तो वन टू थ्री और यहां क्या हो गया बी आर, ठीक है, और यहां क्या हो गया सी एस टू बी आर, ये देख लो पहले, इतनी बात देख ली। अब आगे क्या दे रखा है एन ए ड्राई ईथर, एन ए ड्राई ईथर, तो एन ए ड्राई ईथर क्या है वुड्स रिएक्शन, तो एन ए बी आर, तो वन टू थ्री फोर फाइव और एक सिक्स, कितने मेंबर की रिंग बनेगी सिक्स, तो यहां हो गया फिनॉल और ये वाला, तो एच बी आर के साथ रिएक्शन पर तो बनेगा ये वाला और ये लास्ट में, पहले इतना देख लो, पहले आराम से देख लिया, ठीक है ना, ये कटा माइनस प्लस बी आर भाई, माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इतनी बात देख लो। अब मेन मूल क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मटा हटा दे, तो इसने पूछा है ए और आगे बी, तो ये ए तो कौन सा है फिनॉल, ये आपका फिनॉल एक दो तीन, ये हो गया ए। अब देखो यहां पे एक गड़बड़ी है, अपनों ने क्या बनाया ये, तो यहां आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा, ये ओ हटा देना आपको, ठीक है ओ आपको हटाना है, आंसर क्या आ जाएगा फोर, ठीक है ना, ओ हटाना है, वो ये गलत छप गया, तो यहां पे ये आपका आंसर हो गया, पहले इसको मिटा के, पहले क्वेश्चन के पहले ये सही आंसर है, ठीक है ना, आंसर क्या हो गया फोर, ठीक है नेक्स्ट, ठीक है बेटा क्वेश्चन चलते हैं 41, 41 में फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन है ये, और रिएक्शन में कह रहा है के एस एंड के ई आर रिस्पेक्टिवली, दे रखा है इसका के एस के ई, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड इलिमिनेशन, के एस सब्स्टिट्यूशन के लिए है और के ई क्या है इलिमिनेशन के लिए, ठीक है। अब सुनो, वन डिग्री है, जैसे क्या है वन डिग्री और थ्री डिग्री है, ठीक है वन डिग्री है और थ्री डिग्री है, तो वन डिग्री किसको फेवर करेगा सब्स्टिट्यूशन को,
और 3 डिग्री किसको फेवर करेगा? इलिमिनेशन को। यही बात तो है। 1 डिग्री किसको फेवर करेगा? सब्स्टिट्यूशन। और 3 डिग्री इलिमिनेशन। देख रहे हो, यहां 3 डिग्री और यहां 1 डिग्री। बात क्लियर? ए क्या है? 1 डिग्री, ठीक है ना। और बी क्या है? 3 डिग्री। ए बी, तो के एस अपॉन के ई, सब्स्टिट्यूशन अपॉन इलिमिनेशन, किसका? 1 डिग्री में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। 1 डिग्री में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। और 3 डिग्री में क्या होगा? इलिमिनेशन, ठीक है। तो के एस एवं के ई क्रमशः प्रतिस्थापन विलोपन के वेग स्थिरांक म्यू के एस तो सही विकल्प है। तो ए के लिए म्यू क्या होगा? म्यू ए बी से अधिक, और इलिमिनेशन में कौन सा होगा? बी का के ई इलिमिनेशन बी का ए से अधिक। यही सिंपल सा मैटर है, और ये भी लाइन एनसीईआरटी की। सब्स्टिट्यूशन किसका अच्छा होगा? 1 डिग्री का। और इलिमिनेशन किसका अच्छा होगा? 3 डिग्री का। इसी बात को इसने पूरा खूब बड़े पैमाने पर इसने बात की है, ठीक है ना। बोलो बेटा, तो 40 क्वेश्चन कौन सा था? 41। तो इसमें देख लो कौन सा आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा? 3। बात समझ पा रहे हो? बोलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन, देख लो, 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन, 3 डिग्री इलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? 1 डिग्री का। इलिमिनेशन किसका होगा? 3 डिग्री का। वही बात, तो म्यू ए ये सब्स्टिट्यूशन के लिए, ये किसके लिए? इलिमिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 42, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो इसमें रिएक्टिविटी पूछ रहा था ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले प्रोडक्ट इसमें देखो, इसमें क्या बनेगा? यही बनेगा, इसमें भी यही बनेगा, लेकिन यहां कार्बोकैटायन क्या होगा? अच्छा स्टेबल होगा। तो सबसे अधिक डी, फिर बी, फिर डी बी, डी के बाद डी, फिर बी, फिर सी 2 डिग्री, फिर ए 1 डिग्री। ध्यान से सुनो, फिर बी और डी दोनों में प्रोडक्ट सेम स्टेबल हो रहे थे, तो हमने क्या देखा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। इसलिए डी बी से अच्छा, तो डी हो गया, फिर बी। सी और ए में सिंपल, सी का कार्बोकैटायन अच्छा स्टेबल है ए से। बोलो भाई, बात क्लियर कट? डी और बी में दोनों में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सेम थी, तो हमने क्या देखा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो डी का कार्बोकैटायन बी से अच्छा है, तो डी फिर बी, ठीक है। अब सी और ए में क्या देख लिया? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। आंसर कौन सा हो गया? 4, ठीक है, 42 का 4, ठीक है। नेक्स्ट 43, इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं पहले, बड़ा क्वेश्चन है। CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। बोलो, चले आगे, H प्लस लेके चल रहे हैं इसको। अब पेज पे आते हैं, H प्लस ले गए किसके पास? CH3 डबल बॉन्ड H प्लस यहां ले गए, तो यहां क्या हो गया? OH2 प्लस, इसको बाहर, तो यहां हम सीधे लिख दे रहे हैं, यहां क्या आ गया? प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो, ये धक्का देगा तो यहां प्लस और यहां माइनस, और ये प्लस चार्ज इस पर अटैक हो गया, अटैक हो गया, क्या बना? देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, कितने मेंबर रिंग बनी? 6 मेंबर रिंग बनी। यहाँ CH3 और यहाँ क्या हो गया? प्लस चार्ज। बोलो, अब क्या अटैक करोगे? देख लिया ना, ये CH3, ये CH3, अब यहाँ क्या अटैक होगा? OH माइनस,
ठीक है, अब आते हैं मूल क्वेश्चन पे। देख लिया पहले सबने, मिटा दें। कौन सा आंसर होगा? सेकंड, ठीक है ना, और कोई आंसर बन ही रहा, देख लो। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया। ए बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और इसमें कंपेयर करना है द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। कह रहा है कि ए हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी, ए हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी। इसमें बी का बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें नहीं है। बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से अधिक, इसमें देखो बी का ए से अधिक, ठीक है। इसमें देखो ए और बी, इसमें देखो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है। इसमें आ जाओ, ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी में नहीं है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट। तो यही क्वेश्चन हम पूछा है भाई, सिंपल से क्वेश्चन है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ए का बी से अधिक है। तो आंसर क्या हो गया? 4। आंसर क्या हो बेटा? 4। ठीक है, देख लिया। इधर क्या था? ईथर था, इधर एल्कोहल था। एल्कोहल में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक। इन दोनों में, थर्ड ऑप्शन में दोनों, सॉरी सेकेंड ऑप्शन में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर वेट अधिक है, फिर इसका बी का हो गया, तो इसलिए आंसर क्या हो? 4। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट 5 को लिख लेते हैं पहले। CH3 होल ट्वाइस, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है, यही बात है। तो B2S6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2S6 H2O2 OH-, ये है, और फिर आगे डायलूट H2O, वो पेज पे आते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसा होता है? एंटी मार्कोनिक ऑफ, डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक, CH3 होल ट्वाइस, बोलो। और ये हो गया CH CH OH CH2 CH3, बोलो भाई। अब आगे क्या हो जाएगा? H+, तो यहाँ हो गया CH3 CH CH CH3 CH3, यहाँ CH+ CH2 CH3। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायनिक किसमें जाएगा? ये 3 डिग्री में, तो CH3 C+ CH CH3, और यहाँ क्या है? CH3। इधर क्या आ गया? CH2 CH2 CH3। अब क्या करोगे? -H+, तो CH3 इधर से निकालो, उतना अच्छा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो कहाँ से निकालोगे? नीचे से CH3 CH3, आगे CH2 CH2 CH3। बनने के सभी प्रोडक्ट बनेंगे, प्लस यहाँ से H, यहाँ से भी प्लस, यहाँ से H, यहाँ से भी प्लस, यहाँ से H, यहाँ से, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हमने लिख दिया, देख लो। बोलो बेटा, तो मूल को आते हैं ऑप्शन पे, ये हो गया ना पहले मूल, ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन पे आएंगे, कौन सा आंसर होगा? 4th, ठीक है। अब आपको देखो क्या है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कैसे कैसे चीजें पूछ रखी हैं। एनटीए पेपर बनाएगा उसी के हिसाब से, जेई मेन में तो यही लेवल रहेगा, नीट में थोड़ा सा इससे हल्का ही आएगा, इससे टफ नहीं आना है। लेकिन क्वेश्चन देखो एक ही, अब इसमें अपने दो चार चीजें देखा, एक तो रिडक्शन कई बार रिपीट, इसलिए हमने चार्ट भी बना दिया था, और बार बार देखो इधर मेन पॉइंट C(NN) का रिडक्शन NaBH4 नहीं करता है लेकिन CH(NN) है, डबल बॉन्ड है तो उसका कर देगा। एक बात, जब फिनॉल पर कोई चीज अटैक करा रहा है ना, तो OHC एक्टिवेटिंग ग्रुप के पैरा पे अटैक कराना है, जो मूल बात इसमें से पकड़ के आई है सामने, ठीक है। तीसरी, और जो नेम रिएक्शन है वो बात है ही, तो अपने इस पेपर में यही देखा, बार बार चीजों को अब आ रही है, ठीक है बेटा। तो अब ये भी बात ध्यान से सुन लो कि नीट 95% होने के चांसेस हैं आगे आज, तो 90 बहुत, कोई बहुत अनहोनी नहीं हुई तो ही हटेगा, नहीं तो नीट होगा। इसलिए अपने अब रिवीजन मुद्दे पे आ जाओ, अब आलतू फालतू सब बातें खत्म, क्वेश्चन
टकाटक देखा, क्वेश्चन लगाया, अपने किया, 45 क्वेश्चन है इसमें, कोशिश करो 45 मिनट में काम हो जाए, ठीक है ना। अपने दिया, उसके बाद से आप खुद देखना उसमें क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए एकदम सजग हो जाओ, जेई मेन और मेरे नीट के विद्यार्थियों, एकदम अच्छे से रिवीजन को और जितना पढ़ते थे उसमें और इनपुट डालो, तो भविष्य अपना सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। कि इस समय बहुत बच्चों के दिमाग में बहुत से संशय चल रहे हैं, इसलिए बेटा आराम से कूल होके यहाँ से मटेरियल जा ही रहा है, आप उसी के साथ चलो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।